या कार्यक्रमाचे प्रायोजक आहेत गेंदाबाई मोहनलाल लोढा, मोहन भवन प्रतिष्ठान जामनेर, जिल्हा जळगाव. अध्यक्ष श्री विनोद कुमार जी जवाहरलाल लोढा. धनपुष्प लघु उद्योग पापड निर्माता बडा कोठा जामनेर, जिल्हा जळगाव. प्रकाशचंद जैन मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी जामनेर, जिल्हा जळगाव. वाणी के जादूगर, कलम के कलाधार, संसार के बेताब बादशाह, जिनकी घर घर में है चर्चा और श्रद्धा में है परचा, ऐसे श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिश वंदन. दया के देवता, क्षमा के सागर, विरक्त योगिनी, इंद्रिय विजेता, पूज्य गुरुवर्य के चरणों में एवं गुरुदेव के चरणों में नंदन वंदन अभिनंदन. मेरी अनंत आस्था के केंद्र पूज्य जैन दिवाकर पूज्य गुरुदेव चौथमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटिश वंदन. बड़े ही श्रद्धा के साथ बोलोगे, सच कहती हूँ भक्तो वो धार हो जाएगा, सुमिरन करो चौथ मल जी का बेड़ा पार हो जाएगा, सुमिरन करो चौथ मल जी का बेड़ा पार हो जाएगा. राजा राणा हो की हस्ती झुकी है उनके आगे, चलती चलती रेल श्रद्धा भाव से जिसने भी चरणों में शीष झुकाया, हुई मुरादे पूरी उनकी, बिन मांगे सब पाया, बिन मांगे सब पाया. मन की आंखें खोलो, मन की बेड़ा पार हो जाएगा, सुमिरन करो चौथ मल जी का बेड़ा पार हो जाएगा. आज का परवाधिराज पर्युषण पर्व का छठा सूर्योदय हमारे सामने उदित हुआ है. आज का यह छठा सूर्योदय हमें संदेश दे रहा है कि छह काय जीवों की क्या करो, रक्षा करो. छह काय जीवों का रक्षा करना हमारा क्या बनता है, कर्तव्य बनता है. अगर एक आत्मा इस संसार से निकलती है और संयम मार्ग पर क्या होती है, अग्रसर बढ़ती है, तो सबसे ज़्यादा खुशी किसको होती है, किसको होती है सबसे ज़्यादा खुशी? छह काय जीवों को क्या होती है, खुशी होती है. पृथ्वी काय, अपकाय, देव काय, वायु काय, वनस्पति काय और त्रस काय, उनकी रक्षा करने का दायित्व लेने वाले क्या होता है, उनका उनकी जो रक्षा करता है, उनका जो दायित्व लेते हैं रक्षा करने वाले, वह हमेशा इस मार्ग पर क्या होते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं. हमें भी क्या करना है, पर्युषण पर्व हमारे जिंदगी में आए हुए हैं, तो हमें भी क्या करना है, सोचना है. पर्युषण हमारे जिंदगी में आज छठा दिन लेकर आया है और ये छठा दिन हमें संदेश दे रहा है कि इस आरंभ समारंभ को क्या करो, कम करने की कोशिश करो. इस निवृत्ति से आप क्या हो जाओ, प्रवृत्ति से निवृत्ति में आ जाओ. आज आने वाला अध्ययन हमें संदेश, निवृत्ति का संदेश लेकर आया है और हमें निवृत्ति का संदेश देने वाला है. क्या कह रहा है यह अध्ययन कि कुछ समय ऐसा निकालो, आज के अध्ययन जो है हमारे सामने, तो हमारे से वह कह रहे हैं
कहना चाह रहे हैं कि कुछ समय ऐसा निकालो कि भगवान से क्या करो, प्रेम करो, भगवान से क्या करो, प्रेम करो। अगर भगवान से प्रेम करना है तो समझना छह काय जीव के साथ आप लोग क्या कर रहे हो, प्रेम कर रहे हो। आपके संसार के अंदर न जाने कितने हाईवे हो गए, हाईवे तो पता है ना आपको, जो राजमार्ग होता है जाने का, हाईवे रोड होती है। तो इसी तरह इस आध्यात्मिक जीवन के अंदर महापुरुषों ने क्या बताए हैं, दो प्रकार के हाईवे बताए हैं। आपके कौन से हाईवे हैं आपको ही पता, उस हाईवे से हमें कुछ लेना देना नहीं। लेकिन जो आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर महापुरुषों ने जो दो प्रकार के हाईवे बताए हैं वो आपके सामने मैं बताना चाहूँगी। वो हाईवे है, कौन सा हाईवे हो सकता है, कौन सा हाईवे हो सकता है? आप बोलोगे महाराष्ट्र नेशनल हाईवे, और भी कोई कोई हाईवे उनके नाम बताओगे, लेकिन मैं उस हाईवे की बात नहीं कर रही हूँ। मैं तो उस आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर जो हाईवे परमात्मा प्रभु ने बताए हैं, परमात्मा प्रभु महावीर ने बतलाए हैं और कहकर गए हैं, उन हाईवे का नाम है एक तो भोग और दूसरा त्याग। भोग का हाईवे है संसार का, क्या है, भोग का हाईवे है संसार का, और त्याग का हाईवे है कौन सा, कौन सा हो सकता है त्याग का हाईवे, जो हम शास्त्र के माध्यम से, शास्त्र के द्वारा हम प्रतिदिन जिन वाणी का पान कर रहे हैं, जिन वाणी का रस स्वादन कर रहे हैं, तो उसके अंदर 10 सुकमान मुनि से लेकर 10 राजकुमारों से लेकर 10 रानियों को लेकर न जाने कितने कितनों ने त्याग तपस्या करके अपनी इस आत्मा को क्या किया है, सिद्धालय में पहुँचाया है। तो बताया है कि भोग का हाईवे है संसार का और त्याग का हाईवे कौन सा है, मोक्ष मंजिल में जाने का। त्याग के हाईवे का, नेशनल हाईवे का भी आपका क्या होता है, कोड नंबर होता है कि नेशनल हाईवे नंबर 1, नेशनल हाईवे नंबर 2। तो इस तरह भोग के हाईवे का कोड वर्ड भी बताया है भगवान ने, उसके साथ क्या बताया होगा कोड वर्ड, भगवान ने भोग का नेशनल कोड वर्ड बताया है, क्या बताया है, और ध्यान से सुनना बंधु हो, भोग के हाईवे का कोड वर्ड परमात्मा बताकर गए हैं कि उसका कोड वर्ड है और का मतलब क्या होता है, क्या होता है और का मतलब, और यानी जो इस संसार समुद्र के अंदर भोग विलासों में क्या हो रहे हैं, मस्त हो रहे हैं, भोग विलासों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो उस जो संसार समुद्र के अंदर जो इंसान रहता है उसकी इच्छाएं क्या होती है, अनंत अनंत होती है। इसके लिए परमात्मा ने भोग का हाईवे का कोड वर्ड बताया है कि और आने दो, और आने दो, और त्याग का कोड नंबर है, कोड वर्ड है छोड़ो छोड़ो। जो त्याग के अंदर चला जाता है मोक्ष मंजिल प्राप्त करने की मन के अंदर इच्छा रखता है, तो उसका कोड वर्ड भगवान ने बताया है, क्या बताया है, छोड़ो छोड़ो। उसके मन के अंदर एक ही सवाल रहता है, एक ही प्रश्न रहता है कि मैं ये संसार समुद्र को, जो ये संसार प्रपंच मेरे सामने है, जो ये मेरे परिवार सब कुछ मेरे सामने है, मैं इसको क्या करूँ, कब छोड़ूँ कब छोड़ूँ। तो इस तरीके से परमात्मा प्रभु महावीर ने दो तरह के हाईवे बताए हैं। तो आपको दोनों हाईवे में से कौन सा हाईवे चुनना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। हम शास्त्र माध्यम से सुन रहे हैं कि त्याग संयम तपस्या, तो किसी ने बताया है कि त्याग संयम आत्मा तो क्या है, त्याग संयम तपस्या ये तो आत्मा को शुद्ध करने वाला एक तरह का युद्ध है। क्या बताया है, ध्यान से सुनना, त्याग संयम और तपस्या यह तो आत्मा को शुद्ध करने वाला एक तरह का युद्ध है। जिस प्रकार जैसे युद्ध में अश्वदल, हाथी दल, जल सेना, वायु सेना आदि होते हैं, ऐसे ही आत्मा के युद्ध में कौन हो सकते हैं, आत्मा के युद्ध में त्याग तपस्या नम्रता सरलता और क्षमा, क्या है सबसे बड़ा बताया है, क्षमा आदि ये सेना होती है। इस पर्युषण पर्व के पवित्र दिनों में हमें शमन दमन और नमन का त्रिवेणी संगम करना है।
वैष्णव धर्म में जहाँ तीन नदियाँ मिलती हैं, उस नदी को त्रिवेणी संगम कहते हैं और उस स्थान को पवित्र स्थान माना जाता है और उनके मान्यता के अनुसार वहाँ पर जाकर स्नान करने से क्या हो जाता है, शुद्ध बन जाता है। परंतु बंधुओं, वास्तविकता से देखें तो सिर्फ स्नान करने से मानव शुद्ध नहीं बन सकता है। क्या नहीं हो सकता है? शुद्ध नहीं बन सकता है, किंतु पाप कर्मों का क्षय करने से यह आत्मा अवश्य क्या बन सकती है, पवित्र बन सकती है। यह शमन, दमन, नमन रूप त्रिवेणी संगम में स्नान करने से आत्मा हमारी अवश्य पवित्र बन सकती है। शमन किसका करना है? किसका करना है शमन? क्रोध, मान, माया, लोभ आदि ये कषाय रूपी जो अग्नि है, इसका उसका क्षमा के शीतल के जल के साथ हमको क्या करना है, स्नान करना है। दमन, दमन यानी क्या? जो पांच इंद्रियों के घोड़े मन वांछित विषय के पीछे दौड़ते रहते हैं, उसका हमें क्या करना है, दमन करना है। नमन, नमन यानी नम्र, सरल और विनयवान बनना है। यह त्रिवेणी संगम में जो शमन दमन रूप त्रिवेणी संगम में जो भी आत्मा स्नान करता है, उनके आत्मा से चिपके हुए लगे हुए पाप कर्मों का क्या हो जाता है, शुद्धिकरण हो जाता है। तो आइए बंधुओं, हमने कल वाचन किया था शास्त्र वाचन के अंदर कि कृष्ण भगवान अरिष्टनेमी भगवान के पास पहुंच गए हैं और उनके मन के अंदर तीन प्रश्न उठे हैं कि द्वारिका का नाश कहाँ होगा और मैं यहाँ से मृत्यु प्राप्त कर कर कहाँ जाऊँगा और द्वारिका का नाश कौन करेगा और मैं क्यों है, मैं दीक्षा क्यों नहीं ले सकता हूँ, ऐसे सवाल मन के अंदर उठे। तब प्रभु अरिष्टनेमी ने उनके मन के साथ जो मन के अंदर सवाल थे उनका जवाब बड़े ही सरलता के साथ और समझौता के साथ ऐसे जवाब दिए कि कृष्ण भगवान जैसे ही ऐसे सुना कि क्या है, तुम्हारा द्वारिका का नाश होने वाला है और तुम कदापि दीक्षा नहीं ले सकते हो, तो मन के अंदर क्या हो गया, उनके मन की उनकी आत्मा को धिक्कार रहे हैं कि हे प्रभु, मेरी ऐसी कौन सी आत्मा है कि मैं दीक्षा नहीं ले सकता हूँ और नहीं कुछ तप त्याग तपस्या कर सकता हूँ, मैंने ऐसे कौन से कर्म बांधे हैं। तब अरिष्टनेमी ने, कल मैंने आपको बताया था कि वासुदेव प्रति जो सब वासुदेव होते हैं वो क्या करते हैं, नियाना करते हैं। तब भगवान का जवाब सुनकर, भगवान का उत्तर सुनकर कृष्ण भगवान सोचने लग गए और सोचने लग गए। तब अरिष्टनेमी भगवान ने कहा कि अरे कृष्ण वासुदेव, तुम इस तरह का अर्थ ध्यान मत करो, तुम इस तरीके से सोचो मत, लेकिन तुम्हारी आत्मा तो क्या है, तुम सम्यक शायिक सम्यक दृष्टि हो। क्या हो, कौन सी दृष्टि, सम्यक शायिक सम्यक दृष्टि हो। भावी आप जहाँ जाओगे वहाँ पे अशुभ कर्मों का क्षय करके आप क्या करोगे, अमम नाम के 12वें नाम के तीर्थंकर क्या होंगे, आप बनोगे। आगे जो भी वर्णन चलेगा आपके सामने सुनाया जा रहा है, बड़ी श्रद्धा और भावना के साथ आप उस वाचन का शास्त्र वाचन को सुनोगे। गच्छनम तुभ्य देवानु पिया 12वें नयरिये सिंगाणम जाओ वो गोसे माना एवं वय एवं खुलू देवानु पिया 12वें नयरिये दुआल सज्ज जोयन आयम आये जाओ पचकम देव लोग भूयाये सुरग दिवाय न मुले विनाशे भविष्य तम जोनम देवानु पिया इच्छय 12वें नयरिये राया वा जुवर आया वा ईसरे तलवरे माडविय कोडुम्बिय इब्बसेट्टी वा देवी वा कुमारो वा कुमारी वा अरहो अरिठनेमिस अंतिये मुंडे जाव पवित्रिये तम नम कन्ने वासुदेवे विसज्जयी पच्छतुरस्स वियसे अहा पवित्तम वित्तम अनुजानाई मैया इडी सकार समुदयनम ऐसे निखमनम करी दोच्चम पी गोसनम गोसे गोसैता ममयम अनात्यम पच्चपिन तयनम ते कोडुम्बिय पुरिसा जाव पच्चपिनंती। हे देवानुप्रिय, तुम जाओ और उस द्वारिका नगरी के प्रत्येक बाजार में ऐसी डोंडी पीट कर दो और बोलो कि हे देवानुप्रिय, इस विशाल और स्वर्ग के समान द्वारिका पुरी का विनाश असुर कुमार में उत्पन्न हुए देवायन ऋषि के द्वारा होगा, अतएव इस द्वारिका के बड़े जागीरदार राजा युवराज, राजा के प्रधान, राजा के प्रिय पुरुष, छोटे जागीरदार
कोतवाल कुटुंब के स्वामी अरबपति सेठ रानिया कुमार और कुमारिका आदि सभी में से जिस किसी देवानुप्रिय की इस द्वारिका नगरी में भगवान के पास दीक्षा धारण करने की इच्छा हो उन्हें स्वयं श्री कृष्ण दीक्षा के लिए आज्ञा प्रदान करते हैं। उनका दीक्षा महोत्सव वे बड़े ही समारोह से करेंगे तथा दीक्षित के पीछे रहे हुए अवशेष कुटुंब का प्रतिपालन भी वे सदा के लिए करते रहेंगे। इस प्रकार 2-3 बार घोषणा कर फिर मुझे सूचित करो कि मैं आपका फरमाया हुआ कार्य कर आया हूँ। ऐसी आज्ञा पाते ही वह कुटुंबिक पुरुष शहर में जाकर घोषणा कर आए। तैनम सा पौमा देवी अरहो अरिठ नेमी स अंति धम्मम सोचा निसम हट्ट तुट्ट जाओ हिया अरहम अरिठ नेमी वंदे नमस्ते वंदिता नमस्ता एवं वयसी सदामिनम वंदे निगंथम पावयनम से जयम तुभ्य वंद जम नवरम देवानुपिया कन्नम वासुदेवम अपुच्छामि तैनम अहम देवानुपियानम अंतिये मुंडा जाओ पवयामी महास्वम देवानुपिये माँ परिबंधम करेही। तत्पश्चात उस पद्मावती देवी ने अरिहंत अरिष्टनेमी भगवान के मुख से धर्म को श्रवण कर उससे प्रसन्नतापूर्वक हृदयगम किया और आनंदित होती हुई भगवान को वंदना करके बोली, भगवान मैं निग्रंथों के प्रवचन पर हार्दिक श्रद्धा करती हूँ तथा मैं ये मानती हूँ कि जिस प्रकार पुण्य पाप का स्वरूप आपने फरमाया है वह ठीक वैसा ही मैं अब मैं ये संसार के जन्म मृत्यु के विकराल भय से ऊब उठी हूँ। इसलिए कृष्ण वासुदेव से पूछकर आपके समीप दीक्षा धारण करना चाहती हूँ। भगवान बोले, पद्मावती जैसे भी तुम्हें सुख हो वैसा ही करो, परंतु सुबह से शीघ्रम के नाते इसके तनिक भी विलम्ब मत करो। तैनम सा पौमावई देवी धम्मियम जानपवरम दुर्हम दुरैता जेने वार वय्य नयरी जेने व सह गिहे तेने उवागच्छी उवागच्छता धम्मियाओ जानाओ पंचरोही पंचरोहिता जेने व कन्ने वासुदेवे तेने उवागच्छी उवागच्छता करयल जाव कट्टु कन्नम वासुदेवम एवं वयसी इच्छामि नम देवानुपिया तुभ्यम अब्बनुनाया समानी अरहो अरिठ नेमिस अंतिये मुंडा जाओ पवयामी अहा स्वम देवानुपिये तैनम से कन्ने वासुदेवे कुडुम्बिये पुरिसे सदावेता एवं वयासी खिप्पामेव नो भो देवानुपिया पौमावये देवीय महत्तम निखमनाभिषेयम वठवेय वठविता एवं आनत्यम पंचपिन्न तैनम थे कुडुम्बिया जाओ पंचपिनत्ति। उसके बाद वह पद्मावती रानी धार्मिक रथ में बैठकर धार्मिक रथ का वर्णन जो आपके सामने पहले किया गया था कि देवकी रानी क्या करी थी जब अरिष्ट नेमी भगवान के पास जा रही थी वह भी अपने धार्मिक रथ के ऊपर बैठकर क्या गई थी अरिष्ट नेमी भगवान के पास दर्शन करने के लिए गई थी। तो इसी प्रकार पद्मावती रानी भी अपने धार्मिक रथ में बैठकर पुनः अपने महलों की ओर आई। उसके रथ से उतर कर जहाँ श्री कृष्ण वासुदेव थे वहाँ गई तथा उनसे हाथ जोड़कर बोली कि हे स्वामी आपकी आज्ञा होने पर मैं अरिष्ट नेमी भगवान के द्वारा दीक्षित होना चाहती हूँ। कृष्ण जी ने कहा कि प्रिय तुम्हें मेरी आज्ञा है जिसे तुम्हें सुख प्राप्त हो वैसा ही तुम करो। इस प्रकार पद्मावती रानी को आज्ञा देने के पश्चात कृष्ण जी ने अपने विश्वास पात्र मनुष्य को बुलवा कर कहा कि पद्मावती रानी के योग्य बड़े समारोह के साथ दीक्षा महोत्सव की शीघ्र तैयारी करो। आज्ञा प्राप्त होते ही उन मनुष्यों ने श्री कृष्ण जी के इच्छा अनुसार महोत्सव की तैयारी कर दी। तदनंतर उन्होंने श्री कृष्ण को वैसे ही सूचना भी दे दी। तैनम से कन्ने वासुदेव पौमावई देवी पठ्ठयम दुरी दुरैता अठ सयनम सुवर्ण कलशेनम जाव निखमनाभिषेनम अभिसिंचय अभिसिंचयता सवालंकार विभूषियम करय करयता पुरिस सहस वाहिनीम सिवियम दुराहावेयीम दुराहावेयिता वारवई नयरिये मध्यम मज्जैनम निगच्छे निगच्छता जेने व रेवये पवये जेने व सहसभवने उज्जाने तेने हुआ गच्छे हुआ गच्छता सियम ठवई ठवयता पौमावई देवी सियाव पंचरोई पंचरोयता जेने व अरह अरिठ नेमी तेने हुआ गच्छता अरहम अरिठ नेमी तिखुतो आयनम पायनम करे करयता मंदई वंदिता नमस्ता वंदिता नमस्ता एवं वयसी। तत्पश्चात
उन श्री कृष्ण वासुदेव ने पद्मावती देवी की पाठ पर बिठाया, 108 स्वर्ण कलशों से यावत उसका दीक्षा का अभिषेक किया, उसे सर्व प्रकार के आभूषण से विभूषित किया, फिर सहस्र पुरुष वाहिनी शिविका में उसे बिठलाकर बड़े ही समारोह के साथ द्वारिका नगरी के सार्वजनिक मार्गों से होते हुए रेवत गिरी के निकटस्थ सहस्राम्र वनक नामक वन में उसे लाए। वहाँ शिविका से उतार कर पद्मावती देवी ने तथा कृष्ण ने भगवान अरिहंत अरिष्टनेमी के चरणों में जाकर तिकुत्ता के पाठ से वंदना की। वंदना करने के पश्चात कृष्ण वासुदेव इस प्रकार बोले, एसनम बंते मम अगमहिसी पौमावई नामम देवी विट्ठकंता पिया मनुन्ना मनामा अभिरामा जाव कि मग पुनपासनयाए तन्नम मह अहम देवानुपिया शिशिनिभिक्कम दलयामी पड़िचत्तुनम देवानुपिया शिशिनिभिक्कम आसुअम तयनम सा पौमावई देवी उत्तर पुरीथमम दिशि भागम अवमक्कवई अवमक्कयिता स्वयमेव आभरण अलंकारम ओमय ओमयिता स्वयमेव पंचमुठ्ठियम लोयम करी करेता जेने वारा अरिठनेमी तेने वागछे वागछेता अरम अरिठनेमी मंदई नमस्ते वंदिता नमस्ता एवं वयसी आलित्ते जाव धम माई चित्तम। हे भगवान, यह पद्मावती नामक देवी मेरी पटरानी है। किससे कह रहे हैं भगवान? श्री कृष्ण भगवान से कह रहे हैं कि यह पद्मावती नामक देवी मेरी पटरानी है, मेरा इसके साथ अत्यंत स्नेह है, ये प्रेम को उत्पन्न करने वाली है और मेरे मन को प्रिय है। इसकी शांत मुद्रा को बार बार देखते हुए मुझे कभी अरुचि उत्पन्न नहीं होती। जिस प्रकार गुलर के फूलों का नाम एक सुनना दुर्लभ है, तो फिर उसके फूलों को देखना तो सचमुच में बड़ा ही दुर्लभ होना चाहिए। इसी प्रकार इस रानी का नाम सुनना भी जब कठिन है, तो फिर इसे देखने की तो सामर्थ्य ही किसकी है। परंतु आज यह संसार के जन्म मृत्यु को मृत्यु के दुखों से उब उठी है, इसलिए यह दीक्षा ग्रहण करना चाहती है। हे भगवान, मैं इसलिए आपको इसे अपनी शिष्या के रूप में दीक्षा के समान समर्पण करना चाहता हूँ, इसे आप स्वीकार करें। उत्तर में भगवान ने फरमाया कि हे कृष्ण, जैसे भी तुम्हें सुख हो करो। तत्पश्चात उस पद्मावती पटरानी ने उत्तर पूर्व के मध्य की दिशा ईशान कोण में जाकर स्वयं अपने हाथों से गहनों को उतार कर फेंका और स्वयं पंचमुष्टि लोच कर साध्वी का वेश धारण कर लिया। फिर भगवान के पास जाकर उन्हें वंदना की। तब वह यूं बोली, हे प्रभु, संसार दुखों का सागर है, चारों ओर मोह माया की आग यहाँ धधक रही है, अतः कृपा करके अब साध्वी जीवन का धर्म आप मुझे प्रदान करें, धर्म आप मुझे फरमावे। तैनम सा अरा अरिठनेमी पौमावई देवी स्वयमेव पवावई ता पवावयिता स्वयमेव मुंडावई स्वयमेव जखिनी अज्जाए शिशिनम दलयई तैनम सा जखिनी अज्जा पौमावई देवी स्वयं पवावई जाव सजमी अववा तैनम सा पौमावई जाव संजमयी तैनम सा पौमावई अज्जा जाया इरिया समिया जाव गुंतुबंबयरिनी। ये सुनकर अरिहंत अरिष्टनेमी भगवान ने स्वयं पद्मावती रानी को प्रवर्जित व दीक्षित किया और उसे यक्षिणी नाम एक साध्वी को शिष्या रूप में प्रदान कर दी। उन पद्मावती जो रानी थी, साध्वी बनने के बाद उनका नाम क्या रखा गया? यक्षिणी नामक साध्वी रखा गया। इस यक्षिणी आर्या ने पद्मावती साध्वी का स्वयं अपने हाथों का केश लुंचन किया और उसे संयम की क्रियाओं से पूर्ण रूपेण परिचित किया। वह पद्मावती साध्वी तब अपनी गुरुनी जी की बताई हुई क्रिया के पालन करने में जुट पड़ी। अब वह पद्मावती आर्या 5 समिति 3 गुप्ती से युक्त तथा 9 वार्षिक ब्रह्मचारिणी का पालन करने लग ब्रह्मचारिणी हुई। तैनम सा पौमावई अज्जा जखिनी अज्जाए अंतिये समय मायाईम एकारस अंगाई ऐ जय बहुम चौथ छठ मदस दुमाले से हिम मासद मास खमनेम विवि हेम तवकमहिम अपानम भावे माना वीर तैनम सा पौमावई अज्जा बहुपड़ी पुन्नाईम दिशम वासाईम सामान्य परियानम पौनिता मासियाय सलेनाय अपानम जुसे जुसेता सट्टी बत्ताईम अनसनाय छदी छदेता जसट्ठाय किरई नग्ग भावे जाव तमट्ठम आरा आरा हेई चरिमुस्ता सेम सिद्धा।
फिर तो उन पद्मावती आर्य जी ने अपनी गुरनी यक्षिणी आर्य जी से सामायिक से लगाकर 11 अंग तक अध्ययन किया। साथ ही साथ उपासों में बेला तेला चोला पचोला आदि 15-15 महीने तक की विविध प्रकार की तपस्या करती हुई वह अपनी आत्मा को कुंदन के समान उज्ज्वल करती रही। इसी प्रकार पूरे 20 वर्ष तक उन्होंने दीक्षा धर्म का पालन किया। अंत में जब उनका शरीर ऐसी उग्र तपस्या के कारण दुर्बल हो गया और अंतिम समय आ पहुंचा तब उन दिनों में पूरे 1 महीने का अनशन व्रत रखा। अपने सर्व कर्मों का एकांत क्षय उन्होंने कर डाला तथा अंतिम श्वास के पश्चात वे मोक्ष में पहुंची। मुख्य वही अध्ययन स तेनम कालेनम तेनम समयनम बारवये नयरी रे वय उज्जाने नंदन वने तथनम बारवये नयरी कन्ने वासुदेव राया होता तसनम कन्ना वासुदेवस गौरी देवी वन्नव अर अरिठ नेमी समसड़े कन्ने निगय गौरी चहा पोमा वही तहा निगया धम्म कहा परिसा पड़ी गया कन्ने भी पड़ी गए तैनम सा गौरी चहा पोमा वही तहा निखनता जाव सिद्धा एवं गंधारी लखना सुसीमा जम्ब वही सच्चभामा रूपिणी अठवी पोमा वही सरिसाओ अठ जयना। श्री सुधर्मा स्वामी से जम्बू स्वामी बोले कि भगवान अंतगढ़ सूत्र के 5वें वर्ग के 2 अध्ययन में जिस विषय का आपने अपने श्री मुख से वर्णन किया है उसे भले भांति मैंने श्रवण कर लिया परंतु 3 अध्ययन में भगवान महावीर स्वामी ने जो भाव दर्शा है उनके संबंध में मैं अब कुछ कहने की कृपा करें। तब सुधर्मा स्वामी ने फरमाया कि हे जम्बू सुनो, उस काल में ही द्वारिका नगरी थी। उसके पास एक रेवतगिरी नामक एक विशाल पर्वत था और नंदनवन नामक अति ही भव्य एक बाग वहाँ था। उस द्वारिका में उस समय कृष्ण वासुदेव राजा राज कर रहे थे। इन कृष्ण वासुदेव के गौरी नामक एक पटरानी थी। श्री अरिहंत अरिष्ट नेमी प्रभु देश देशांतरों में विचरते हुए वहाँ पधारे। आप सोचोगे महाराज साहब कि अरिष्ट नेमी भगवान बार बार द्वारिका नगरी में ही क्यों जा रहे हैं? सोचोगे या नहीं सोचोगे? हाँ, किसी के भी मन में अगर कोई महाराज साहब भी अगर जहाँ चातुर्मास करके चले जाते हैं, क्या हो जाते हैं, महाराज साहब चातुर्मास करके चले जाते हैं और वहाँ बार बार आते रहे निरंतर, तो आप लोग क्या सोचोगे कि नहीं यहाँ पे महाराज साहब के कोई भक्त रहते होंगे या कोई रहते होंगे, कोई स्नेह भाई बहन रहते होंगे, इसके लिए महाराज साहब क्या कर रहे हैं, बार बार आ रहे हैं? तो आपके मन के अंदर ऐसा ही सवाल होगा कि बार बार अरिष्ट नेमी भगवान द्वारिका नगरी में ही क्यों आ रहे हैं? इसका मतलब है कि वह बार बार द्वारिका नगरी में क्यों आ रहे हैं, क्योंकि भगवान तो केवल ज्ञान केवल दर्शी थे, सब कुछ जानते थे कि इस भूमि से इस नगरी से इतनी इतनी आत्माएं क्या होने वाली है, मोक्ष में जाने वाली है। तो उनको क्या करना पड़ता है, मार्गदर्शन देने के लिए और जिन वाणी सुनाने के लिए क्या करना पड़ता है, जाना पड़ता है। तो इसलिए बार बार अरिष्ट नेमी भगवान भी क्या कर रहे हैं, द्वारिका नगरी के अंदर पधार रहे हैं। विचरते हुए वह पधारे, वासुदेव प्रभु की सेवा में उपस्थित हुए। उनकी पटरानी गौरी भी वहां गई। जिस प्रकार पद्मावती देवी ने वैराग्य प्राप्त कर दीक्षा ग्रहण की उसी प्रकार गौरी पटरानी ने भी दीक्षा धारण की। ऐसे ही गांधारी लक्ष्मणा सुसीमा जामवती सत्यभामा और रुक्मिणी इन 6 पटरानियों ने भी गौरी तथा पद्मावती के सदृश दीक्षा धारण की और अंतिम समय में भी सभी ने अनशन व्रत करके अपने अपने कर्मों का क्षय किया और समय पाकर वे सबकी सब मोक्ष में पहुंची। इन 6 रानियों के 6 अध्ययन हैं और गौरी एवं पद्मावती रानी इन दो के अध्ययन हैं। यो कुल 8 अध्ययन हुए। ये सभी रानियां कृष्ण वासुदेव की पटरानियां थीं। मुख्य हो या नवमस्त तेनम कालेनम तेनम समयनम बारवई नयरिये रेवय पवय नंदन वने उच्चाने कन्नेराया तथनम बारवय नयरिये कन्नस वासुदेवस पुत्रये जम्भवत्तिये देविये अंतये संबे नामं कुमारे होत्तायिनम तसनम संबस कुमारस मूलसिरी नाम भार्या होत्ता वन्नवो अरा अरिठनेमी समोसडे कन्ने निगये मूलासिरी निगया जहाँ पोमा वही नवरम देवानुपिया कन्नम वासुदेवम अपुच्छामि जावसिता एवं मूलदत्तावी। जम्बू स्वामी ने
सुधर्मा स्वामी से कहा कि हे भगवान, अंतर्गत सूत्र के पांचवें वर्ग के आठवें अध्याय में जो भाव आपने फरमाए उनका विधि पूर्वक श्रवण मैंने किया, अब नौवें अध्याय के जो भाव है उन्हें फरमाने की कृपा करें। हे जम्बू, उस काल में द्वारिका नगरी रेवतगिरी और नंदनवन आदि से बड़ी ही सुशोभित थी। कृष्ण वासुदेव भाग के राजा थे, उनका पुत्र और जांगमती का अंगज सांब नामक कुमार था। इस सांब कुमार के मूलश्री नामक पत्नी थी। श्री अरिहंत अरिष्ट नेमी भगवान विचरते हुए एक दिन वहाँ पधारे। भगवान के शुभागमन का संदेश प्राप्त होते ही कृष्ण वासुदेव भगवान की सेवा में आ पहुँचे। मूलश्री भी वहाँ पहुँची। भगवान ने उन्हें वैराग्य भरा प्रवचन सुनाया। प्रवचन सुनकर मूलश्री का मन संसार से उब गया, संसार से हट गया। उसके मन में वैराग्य के भाव जागृत हो गए। उसने श्री कृष्ण वासुदेव से आज्ञा संपादन कर पद्मावती पटरानी की भांति दीक्षा अंगीकार कर ली और यथा समय अंत में वह भी मोक्ष धाम को पहुंच गई। इसी प्रकार सांब कुमार की द्वितीय पत्नी मूल दत्ता ने भी दीक्षा धारण कर अंत में निर्वाण पद को प्राप्त किया। इस तरीके से आपके सामने यह पांचवा वर्ग जो कृष्ण भगवान की रानियां और कृष्ण भगवान की कौन बहु रानियां, इस तरीके से अरिष्ट नेमी भगवान के पास दीक्षा धारण करके तब जब की आराधना करके वो मोक्ष में पहुंच गए हैं। हम बड़ी साधु वंदना में भी प्रतिदिन बोलते हैं कि कृष्ण भगवान की रानियां और पुत्र वधु है, उन्होंने क्या करी, दीक्षा ली। बलि कृष्ण रायने अग्र महिषी आठ पुत्र बहु दोय सचा पुण्य नठाट जादव कुल सतिया टाल्यो दुख उचाट पौची शिवपुर माये छे सूत्र नो पाठ। यह बड़ी साधु वंदना के अंदर जयमल जी महाराज साहब ने अपने भावों से इन साधु संतों का क्या किया है, महापुरुषों का वर्णन बड़े ही सुढंग से किया हुआ है। अब आपके सामने पांच वर्ग पूर्ण हो चुके हैं। अब छठे वर्ग में क्या वर्णन आएगा उसे आप ध्यान से सुने। अभी तक हम 22वें जो तीर्थंकर थे हमारे अरिष्ट नेमी भगवान, जब उस समय के उस काल की बातें हम क्या कर रहे थे, आपको सुना रहे थे। और अरिष्ट नेमी भगवान के काल में, अरिष्ट नेमी भगवान के शासन में कितनी आत्माएं मोक्षित हुई, कितनी मोक्षित हुई, 51 आत्माएं उनके शासन के अंदर मोक्ष नगरी में पहुंच चुके हैं। अब हम जिनके शासन में रह रहे हैं, परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर उनके शासन में रह रहे हैं। अब जो छठे वर्ग से जो वर्णन आएगा शास्त्र के अंदर, परम पिता प्रभु महावीर के शासन का वर्णन चलेगा, तो आप ध्यान से सुने। जैनम बंदे चट्टम सौख्यो नवर 16 अजैन पनत्ता तम जा मकई कि कमे चेव मोगर पानी य कासवे खेमय धित्ति धरे चेव केला से हरिचंदने भारत सुदसन पुनबद्ध सुमन बद्ध सुपइटे मेहे अयमुत्तेय अलंखे अजय माने अजय नानम तु 16 जयी 16 अजैन पनत्ता पणमसन स अजय न सके अट्ठे पनत्ते। सुधर्मा स्वामी से जम्बू स्वामी बोले, भगवान पंचम वर्ग के जो भाव आपने फरमाए वह तो मैंने सुन लिए, पर छठे वर्ग में क्या अर्थ है, क्या भाव है, कृपा करके उसे फरमावे। हे जम्बू, छठे वर्ग में 16 अध्ययन बताए हैं, वे इस प्रकार है। मकाई किंकम उद्गर पानी काश्यप क्षेमक श्रुतिधर कैलाश हरिचंदन वारत सुदर्शन पूर्णभद्र सुमनभद्र सुप्रतिष्ठ मेघ अतिमुक्त और अलक्ष्य, इन 16 के नाम से 16 अध्ययन है। भगवान इन 16 अध्ययनों में से प्रथम अध्ययन में क्या अर्थ है, कृपया फरमावे। यम खलु जम्बू तेनम कालेनम तेनम समयनम राय ही नैरे गुण से लिए चाहिए से निये राया तत्थनम मकई नामं गावई परिवसई अड्डे जाव अपरिभुए तेनम कालेनम तेनम समयनम समने भगवम महावीरे आदि करे गुण से ले जाओ वीर रही परिसा निकया तैनम से मकाई गा वही इमि से कहा लदत्ते जा पनत्ये गंग दत्ते तहेव इमो भी जेठ पुत्तम कुटुंबे ठेवेता पुरिस सस्स वाहिनीये
सियाए निखंते जाओ अनगारे जाय इरिया समय जाओ गुंतो बंबयारी तयनम से मकाई अनगारे समनस्त भगो महावीरस तहारुआनम थेरानम अंतिये सामय मायाई इकारस अंगाई ऐजई शेषम जा खंडगस गुण रयनम तव कम्मम सोलस वसाई परियाओ तयव विपुल सिद्धे द्वचस्व उख्यो किंकमे वी एवं चेव जाओ विपुल सिद्धे। अर्थात इस प्रकार है जम्बू, भगवान महावीर के समय में राजगृह नामक एक नगर था। उसके ईशान कोण की ओर गुणशीलक नामक एक अत्यंत सुंदर बाग था। उन दिनों में उस नगरी में श्रेनिक बिंबिसार नामक राजा वहाँ शासन करता था। वह मकई नामक एक गाथापति रहता था वह बड़ा ही संपत्तिशाली तथा निडर था। उसी समय के समय में धर्म प्रचारक श्रमण भगवान महावीर विचरण करते हुए राजग्रही के गुणशील नामक बाग में एक दिन पधारे। प्रभु के पदार्पण का शुभ संदेश पाते ही उनके दर्शनार्थ जनता क्या करी, उमड़ पड़ी। मकई गाथापति को यह खबर हुई कि जिस प्रकार भगवती सूत्र में गंगदत्त जी का उल्लेख आता है, उसी प्रकार ये भी प्रभु के चरण वंदन की चाह में अपने घर से निकले। प्रभु का प्रवचन श्रवण कर उनके हृदय में वैराग्य बरसाती नदी की भांति उमड़ आया। बड़े पुत्र को गृह कार्य का समस्त भार सौंप कर बड़े समारोह के साथ उन्होंने दीक्षा ग्रहण कर ली। 5 समिति तथा 3 गुप्ती सहित 9 युक्त ब्रह्मचारी हुए। तत्पश्चात उन मकई मुनि ने भगवान महावीर के अनुयायी स्थवीर मुनियों से सामयिक से लेकर 11 अंगों तक का पूरा ज्ञानाध्ययन किया। इनका अवशेष वर्णक खंडक मुनि की भांति ही समझना चाहिए, अर्थात इन्होंने भी गुण रत्न आदि तपस्याएं की 16 वर्ष चारित्र पालन कर अंतिम समय में अनशन व्रत करके विपुल गिरी पर मोक्ष में पहुँचे। इसी प्रकार राजगृह नगर के निवासी दूसरे किंकम नामक गाथापति ने भी दीक्षा अंगी कर मोक्ष प्राप्त किया। तच्चस उख्यो एवं खलु जम्बू तेनम कालेनम तेनम समयनम राय गिये नैरे गुणशीले चाहिए सैनीय राया चलना देवी तथनम राय गिये नैरे नैरे अर्जुनये नाम मालागारे परिवसई अड्डे जाव अपरिभूये तत्सनम अर्जुनस मालायरस बंधुवई नाम भारिया होता सुकुमाला तत्सनम अर्जुनस मालायरस राय गिये स नैरस वही आयतनम महम एगे पुप्पारामे होता कन्ने जाव निकुरंब भुए दसद्दवन कुसुम कुसुमिये पासईता तसनम पुप्परामस अधुर सामंते तथनम अर्जुनस मालागरस अज्जय पज्जय पिय पज्जय गए अनेग कुलपुरी सरी परंपरा गए मोगर पानिसम जखस जखायने होता पौराने दिवे सच्चे जहाँ पुनबद्धे तथनम मोगर पानिस पणिमा एगम महम पलसह सन्निफन्नम अयोमयम मोगरम गहाय चिट्ठही। अर्थात सुधर्मा स्वामी से जम्बू स्वामी बोले कि भगवान, छठे वर्ग में द्वितीय अध्ययन का वर्णन जो आपने फरमाया उसे मैंने ध्यानपूर्वक सुना। अब कृपा करके फरमावे कि तृतीय अध्ययन का तात्पर्य क्या है। हे जम्बू सुनो, भगवान महावीर स्वामी के समय में राजग्रह नामक एक सुंदर नगरी थी। गुणशीलक नामक उद्यान सही सुशोभित थी। उस समय उस नगरी में श्रेणिक राजा राज्य करता था, जिसकी चेलना नामक एक परम प्रिय धर्मपत्नी थी। उसी राजग्रह नगरी में अर्जुन नाम का एक माली निवास करता था। वह माली बड़ा ही सुंदर और सुडल तथा संपत्तिशाली और निर्भय था। उसके बंधुमती नामक एक महान सुंदर और सुकुमार धर्मपत्नी थी। राजग्रही नगरी के बाहर इस अर्जुन माली एक सुंदर पुष्प वाटिका थी, जिसमें 5 वर्णों के पुष्प विकसित हो रहे थे। इस सुंदर और मनोहर पुष्प वाटिका का अद्वितीय छटा दर्शकों के चित्त को हरण करने वाली थी। फूलों के इस उपवन के अति निकट ही में अर्जुन ने के बड़े बूढ़े
पितामह आदि की वंश परंपरा से चला आने वाला पूर्ण भद्र की भांति प्राचीन प्रधान एवं सत्य एक यक्ष का एक शयतन था। उसमें मुद्गर पानी नामक का एक यक्ष की मूर्ति अपने हाथों में 1000 पल का कितने 1000 पल का भारी एक लोहमय मुद्गर ग्रंथ था। 1000 पल यानी आज की भाषा में 58 किलो का जो मुद्गर पानी जो लोहा से बना हुआ वह 1000 पल का अभी के भाषा में वर्तमान की भाषा में 58 किलो का वजन क्या था उस मुद्गर पानी का था। एक भारी लोहमय मुद्गर ग्रहण किए हुए प्रतिष्ठित थी। तैनम से अर्जुन मालागारे बालप्य भी चेव मुगर पानी जक्कस बत्ते यावी होता कला कलिम पक्षीय पड़ी पीड़ गायम गेन्नही ता गेन्नही ता राय गिया नगराओ पड़ी निखमई ता जेने पुप्पा रामे तेने हुआ गचे हुआ गजेता पुप्पू चयम करे करेता गयम वराई पुप्पाइम गहे गई ता जेने मोगर पानी से जखाए ने तेने हुआ गचेता मोगर पानी से जक्कस महरियम पुप्पू चयनम करे करेता जानू पाए पड़िए पनामम करे करेता तो पचराय मगन सी वित्तिम कप्पे माने भी रही। तदुपरांत वह अर्जुन मालाकार बाल्य अवस्था से ही उस मुद्गर पानी यक्ष की सेवा भक्ति करके उसका पूर्ण भक्त बना हुआ था। वह बांस की टोकरी लेकर नित्य प्रति राजगृह नगरी से निकलकर उस पुष्प वाटिका में आता था। वहाँ वह फूलों को चुनकर एकत्रित करता फिर उन फूलों से अच्छे अच्छे मनोरम फूलों को लेकर उस मुद्गर पानी यक्ष के स्थान पर आता और वहाँ से उस यक्ष के सन्मुख फूलों को ढेर कर अपने दोनों घुटनों को भूमि पर टिका कर नमस्कार करता था। तत्पश्चात राजगृह में गृह कार्यादि कर वह अपना निर्वाह करता था। वह प्रतिदिन क्या करता था जो मुद्गर पानी का जो यक्ष था उसकी हर दिन प्रतिदिन सेवा करता था और वो फूलों उसके फूल कहाँ जाते थे देश विदेशों में उसके फूल जाते थे। उस पुष्प वाटिका के फूल जो 5-10 तरह के फूल के प्रकार थे उसके जो अर्जुन माली था उसके फूल देश विदेशों में क्या करते थे जाते थे और वह जो यक्ष था उसके सामने अपने दोनों घुटने झुकाकर यानी साष्टांग नमस्कार प्रतिदिन क्या करता था वह उस मुद्गर पानी को किया करता था और उससे ही अपना क्या करता था निर्वाह वो फूल बेचकर अपना निर्वाह करता था। तत्थनम रायगी नैरे ललिया नामम गोट्टी परिवसई अड्ढा जाव अपरी भूया जकय सुकया यावी वत्ता तयनम रायगी नगरे अन्नया कयाई पमोय गुट्टे यावी गोता तयनम से अर्जुनाय मालागारे कल्लम पबुए तारहीम पुप्पे हिम कच्चमित्ती कट्टू पच्चुस काल समयसी बंधुमत्ये भारी आये सदीम पंचीय पड़ियाईम गेन्नईता सयाओ गिन्नाओ पड़ी निखमयता राय घियम नगरम मज्जम मज्जनम निगच्छे निगच्छेता जेने पुप्पा रामे तेने हुआ गच्छेता बंधुमये भारी आये सदीम पुप्पू चयम करे ही। उसी राजगृह में एक उदंड मित्र मंडली रहती थी जो ललिता नाम से प्रसिद्ध थी। उन उदंड मित्र जनों के पास संपत्ति भी पर्याप्त थी और वे बिल्कुल निर्भय थे। वे जो भी भला या बुरा कोई भी कार्य करते उसको जनता अच्छी ही समझती थी। एक दिन उसी राजगृह में एक होने वाले महोत्सव की घोषणा हुई। तब अर्जुन माली ने सोचा कि कल उत्सव के कारण फूलों की बिक्री भी विशेष होगी। उसी उद्देश्य से प्रेरित हो प्रातःकाल होते ही वो फूल रखने की टोकरियाँ आदि लेकर अपनी श्री बंधुमती सहित राजगृह के मध्य में सार्वजनिक मार्गों से होता हुआ अपनी पुष्प वाटिका की तरफ चला गया और वहाँ जाकर वे दोनों पति पति क्या कर रहे हैं उस पुष्प वाटिका के अंदर फूलों को चुन रहे हैं और टोकरी के अंदर भर रहे हैं क्योंकि कल राजा ने घोषित किया था कि इस नगरी के अंदर क्या होने वाला है एक महोत्सव होने वाला है इसलिए वह पति पत्नी अपने क्या करें पुष्प वाटिका के अंदर फूल चुनने के लिए चले गए। तैनम से तिसे ललिया गोट्टी अच्छा गोट्टीला पूरी सा तेने वो मगर पानी से जक्कस जखा है ने तेने हुआ गया अभिरमाना चिट्ठन थी। तैनम से अर्जुन माला करे बंधुमये भारी आये सतीम पुप्पू चयम करेता अगयम वाराई पुप्पाइम गहाय जेने मगर पानी से जक्कस जखाए ने तेने हुआ गच्छे ता तयनम छेच गोट्टीला पुरी सा अर्जुन मालागारम
मालागारम बंधुमये भारी आए सद्दीन मज्जमानम पासे पासे ता अन्नमाना यं वयासी एसनम देवानुपिय अर्जुन मालागारे बंधुमये सद्दीम यम हवागम आगछई तम सेयम खलुम देवानुपिया अहम अर्जुन मालागारम अव ओढ़यम बंधनयम करेता बंधुमयी बंधुमये भारी आए सद्दीम व्यूलाय भोग भोगाय भुज्यमानान वीरत्येति कट्टु यमठम अन्नमनस पड़ी सुनेत्ती कवाड तरेसु निलुकंती निच्छना निफंदा निफंदा तुसिने या पच्छना चित्तंती। तत्पश्चात उस ललिता नामक उदंड टोली के छह गोष्ठिक मित्रजन उस मुद्गर पानी यक्ष के स्थान की ओर आकर क्रीड़ा करने लग गए। उधर वह अर्जुन माली भी अपनी स्त्री के साथ फूलों को इकट्ठा कर और उनमें कुछ अच्छे अच्छे फूलों को लेकर उस यक्ष के स्थान की ओर जा रहे थे। इतने ही उन छह उदंडों मित्रों ने अर्जुन माली को संपत्ति आते हुए देखा। क्या किसने देखा? जो छह उदंडी मित्र थे उन्होंने क्या करा? उन पति पत्नी को देखा। इसके भी पीछे एक इतिहास छिपा हुआ है कि वह जो छह नगरी के वह जो छह वो मित्र थे वो उदंडी मित्र थे। ललिता नाम गोष्ठी के जो मित्र थे उस श्रेणिक राजा ने उनको क्या कर दिया था, क्या किया था उनको, कि मतलब वो कोई भी गुनाह करें उनके ऊपर श्रेणिक राजा क्या हुआ था, प्रसन्न हो गया था कि उन्हें मतलब आज़ादी कर दी थी कि तुम कुछ भी करें तो भी तुमको क्या नहीं मिलेगा, दंड नहीं मिलेगा। ये सारे मेंबर कुछ भी करें, इनके राजा ने घोषित कर दिया था कि ये सारे मेंबर कुछ भी करें इनके ऊपर राजा का कानून नहीं होगा। एकदम क्या कर दिया था उनको, फ्री कर दिया था। लोग अच्छे थे, क्या था वो लोग अच्छे थे। राजा ने भी ऐसा सोचा नहीं था कि वह मेरी इजाज़त के अलावा कुछ गलत फ़ायदा उठाएंगे या गलत काम करेंगे। राजा ने एकदम फ्रीडम उन्हें कर दिया था। राजा सैनिक ने मोसो की आज्ञा दी, फूलों की ज़्यादा ज़रूरत थी। उसने बंधुमती को सुबह कहा कि तुझे चलना है उस पुष्प वाटिका के पास। अर्जुन माली का कुल देवता था मुद्गर पानी। किसे कहते हैं? पानी कहते हैं हाथ को और मुद्गर कहते हैं लोहे का, जो 58 किलो का जो लोहे की मूर्ति थी उस मूर्ति को क्या कहते हैं, मुद्गर बोलते हैं। ऐसे 58 किलो का था वो हाथ में धाम रखा था। लकड़ी की मूर्ति इतना वजन कैसे संभाल रही है? वो क्या थी, एक तरह की लकड़ी की मूर्ति थी पर अंदर से बहुत भारी लगती थी, इसके लिए उसे क्या बताया है, लोहे का बताया है। जीवंत देवता था अर्जुन माली, किसी और की नहीं मानता था, वही उसके लिए सब कुछ था। अर्जुन माली क्या करता था, किसी की बात को नहीं मानता था। वह उसके लिए जो मुद्गर पानी था उसके लिए वह क्या था, सर्वस्व सब कुछ था, जीवन का खिवैया था। जब भी फूल चुनता सबसे सुंदर फूल उनको लेकर आता था, अगरबत्ती लगाता, नाचता, लास्ट में घुटनों के बल पर प्रणाम करके चला जाता, साष्टांग करता था। यक्ष की आंखें बहुत प्रभावित थी, देख के आ गया, घर की सारे बातें बता दी, सब ठीक हो जाता। एक घटना घटी कि वहाँ ललित गोष्ठी घूमने आए अर्जुन माली व बंधुमती। क्या चल रहा है हमारे शास्त्र के अंदर वर्णन, कि अर्जुन माली और उसकी पत्नी बंधुमती फूल को चुनकर ला रहे थे, तो यक्ष को चढ़ाने के लिए क्या कर रहे थे, वह ला रहे थे। छह मित्रों ने एक दूसरे को हाथ मारा और कहा, जो तेरे इरादे हैं वो भी मेरे इरादे। वो छह मित्र क्या कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, पर अर्जुन को देखा तो उन मित्रों ने मन के अंदर सोचा कि ये नहीं छोड़ेगा, हमें अगर देख लेगा तो क्या कर देगा, मार देगा। अरे देख लेंगे, मंदिर के दरवाजे के पीछे इधर से उधर से छुप गए, योजना बनाई, साष्टांग प्रणाम करेगा तो मुंह को बांध देंगे। क्या योजना बनाई, कि जैसे ही वो अर्जुन माली भगवान को साष्टांग नमस्कार करते हुए अपनी गर्दन को नीचे झुकाएगा तब हम उस वक्त क्या कर देंगे, उसका मुंह बांध देंगे। मंदिर में पाप करने की तैयारी हो गई, किसी की इज्जत को वार पे करने की तैयारी कर दी। अर्जुन माली मंदिर में मस्ती से आया, ओहो भाग्य विधाता अन्नदाता। दोनों ने मंदिर की मूर्ति को निहारा, उपकार स्मरण किया, प्रणाम किया और छओ ने हमला किया। उसको संभालने का मौका ही नहीं मिला क्योंकि उसके हाथ पैर सब बांध दिए थे, लुटका दिया।
उसी के आंखों के सामने उसकी पत्नी की क्या हो रही है, इज्जत खिलवाड़ करने लग गए। यह दृश्य देखा तो अर्जुन हिल गया, सोचने लगा आज इसकी आंखों के सामने वो हो रहा है जो वो मैंने कभी सोचा नहीं सोच नहीं सकता। किसी भी तरह अपने आप को मोड़ता हुआ जब भी दुखी होता तो आंखों के सामने आंख डालकर बात करता था। इधर उनका कार्य चल रहा है, वो बात कर रहा है तुझको मेरे पिता के पिता में पिता ने दादा पर दादा ने, किससे बात कर रहा है अर्जुन वाली, उस मूर्ति के साथ बातें कर रहा है कि हे मुद्गर पानी, तुझको मेरे पिता के पिता यानी दादा पर दादा ने हजारों साल से तेरी पूजा करते आए हैं, तेरी पूजा होती आई है। मेरे पिता ने यही शब्द डाला कि तू मेरे पर अविश्वास कुट लेना, पर मुद्गर पानी मतलब उसके अर्जुन माली के जो पिता थे, तू मेरे पर अविश्वास कर सकता है लेकिन मुद्गर पानी पर कभी अविश्वास मत करना। ये हमारे दाता है, ये हमारे अन्नदाता है। आज तेरी ही घर के अंदर तेरी ही मेरी पत्नी की इज्जत जा रही है। तेरे बाद में मैंने सोचा तू जिंदा है, अगर तू जिंदा होता तो आज ये नहीं होने देता मुद्गर पानी, मेरी आंखों के सामने ये हो रहा है। उस पीड़ा को मुद्गर पानी ने अपने ज्ञान से देखा, पीड़ा व्यर्थ नहीं गई। एकदम यह यक्ष मूर्ति से निकल कर अर्जुन माली के शरीर में क्या हो गया, घुस गया। वो मोटे रस्से जो बंधे हुए थे उसका मुंह बंधा हुआ था, रस्सियों से हाथ पैर बंधे हुए थे। वे जैसे मानो जैसे कच्चे धागे टूटते ऐसे तड़तड़ाते, जैसे वो रस्से क्या हो गए, टूट गए। तैनम से अर्जुन है माला करे बंधु मई भरी है सदीम जेने मगर पानी जखा है तेने हुआ गचेता आलोय पनाम करे करेता मां परम पुप्पु चरम करे करेता जानू पाए पेड़िए पनामम करे तैनम तेछे गोठिला पुरिसा दव दव स कवाड़न तरी तो निगचिता निगचिता। अर्जुनय मालागारम गेनंति गेनता ओडम बंधनम करे करेता बंधुमत्ते मालागारिय सद्य विपुलाय भोग भोगाय भुज्यमाना वीरंति तैनम तस् अर्जुनय स मालागरस अजमजय समुपनयम खलु अह बाल भवतींचो मगर पानी स भगो मला कल्याण जाओ मित्तिं कप्पे माने विय वीरामी तम जैन मोगर पानी जखे इह सनियते होते सनम किए मम यारो अवजय पवज्यमानम पासे तम नथि मोगर पानी जखे इह सनियते सुवतम न तस न तयस कट्टे तैनम से मोगर पानी जखे अजुन स माला गरस एमर अजिथियम जा वियनित अजुन स माला गरस शरीरयम अनुपविसे तड़ तड़स बंदई बंदई चिंदई चिंदईता पलस सनी फन्नम अयोमय मोगरम गे नई इति सत्तमे छ पुरी से घाई जे देने से अर्जुन ए माला करे मोगर पानी ना जखे न माना इठे समाने राई गे सन ए रस परि परते नम कल्ला कलिम इति सत्तमे छ पुरी से घाई माने तैनम राई गे नई रे सिंगाडम जाव महापयसु बहुजन अन मनस योम खयो खलु देवानु पे अर्जुन ए माला करे मोगर पानी ना आना इठे समाने राई गे नई रे भैया इति सत्य में छे पुरी से घाय माने वीरी तैनम से सोने राया इमी से कहा है लट्ठे लद्दटे कहा है कोंडम पुरे से सदावे सदावे ता यौम ऐसी यौम खलु देवानु पिया अर्जुन है माला करे जाओ घाय माने जाओ वीर रही तमा मानम तुबे कही तनसवा कट्ठसवा पानी यसवा पुप्प फलानम अट्ठाई यस निगछ मानम तस शरीर सवावती भविष्य कट्टू दोच्चपी तच्चपी घोषणयम घोसी घोषिता कृपा में ममयम पच्चपीनम तैनम ते कोडुम पिया पुरी से जाओ पिया जावा पच्चपिनती तथनम राय गे नैरे सुदंसने नाम शेट्टि परेश अड्डे तैनम से सुदंस समनस याव होता अभिगय जीवा जीवे जाव वीरे तेनम कालेनम तेनम समयनम भगव महावीरे जाव समोसडे वीरे तैनम से राय गे नैरे सिगाडम जाव पहा पयसु बहुजन अन्न मन से यौम खई जाव कि मगम पुनः विपुल स अट्ठस गहनाये तैनम तस् सुदनसन स बहुजन स अंत्य अयम अट्ट स्वच्छा निस्सम अयम अजत्तय जाव समुपने यम खलु समने भगव महावीर जाव वीर तम गच्छामि नम समनम भगव महावीरम वंदामि नमस्सामि यम संपय संपयता जेने अमापियुर तेने अवगछे अवगछेता करेल परिगयम जाव यम वयासी यम खलु अमताओ समने भगव महावीर जाव वीर तम गच्छामि तम समनम भगव महावीरम वंदामि नमस्सामि जाव पजवासामि तैनम से सुदन से सुट्टी अम्मा प्योर यम ऐसी यम खलु पुत्ता अर्जुन माला करे जाओ घाय माने वीर तम मानम न पुत्ता तुमम पुत्ता समनम भगव महावीरे वंदे निगच्छामि मानम तव सरियस भावती भविष्य तुमनम य गए चेव समनम भगवम महा भगवम
महावीरम य मागयम य पत्तम सव य समसणम य गयचेव वंदी स्वामी नमस्वामी तम गच्छामि न अहम अम्मयाओ तुभ्यम अबनुनाय समाने समने भगवम महावीर वंदामि जाओ पजमसामी। तत्पश्चात वह जैसे ही रस्ते टूटने लग गए वह छह ही वहाँ से क्या हो गए भाग गए हो। उसने मुद्गर को निकाला कहाँ भागोगे, मुद्गर घुमाया एक ही झटके में छह को धराशायी कर दिया, खोपड़ियाँ बिखर गई, खुनम खुन हो गया और अपनी पत्नी की भी क्या कर दी, हत्या कर दी। यह प्रश्न उठता है कि कसूर उन छह का था पर अपनी पत्नी को क्यों मारा, ये दो बातें हो सकती है। बंधुमती उन छह की प्रतिष्ठा को जानती थी इसलिए उसने ज़्यादा विरोध नहीं किया, अपने आप को सिलेंडर कर दिया। उस दूसरा कारण वो अपने आप में नहीं थे, मुद्गर पानी उसके तन में, उसने सोचा होगा कि ये अपने कुल के लायक नहीं रही इसलिए उसने क्या कर दिया, अर्जुन वाली ने अपनी पत्नी को मार दिया। इन सात जनों को ही नहीं सिलसिला जारी हो गया, प्रतिदिन छः पुरुष एक स्त्री सात जनों की हत्या होने लग गई। ये सिलसिला छः महीने तक चला, इसमें 978 पुरुष और 163 स्त्रियाँ 5 महीने कुछ दिनों तक चालू रहा। जब नगरी में हलचल मच गया तब सैनिक ने बुलाया, मंत्री परिषद की मीटिंग ली और मीटिंग बुलवाई, राजगृह नगरी के चारों दरवाजे बंद कर दो, कोई भी पानी अनाज के लिए बाहर नहीं निकले, ये देवादिश्य देह बाहर वाला अंदर आने नहीं देता, ये नियम बन गया। ऐसे ही वक्त पर देवदुंदु भी बजी, गुणशिलक नामक उद्यान में भगवान महावीर का आगमन हुआ है, घोषणा हुई, तारन तिरन की झांच पधारे है, सब अपने घरों की छत पर चढ़ गए। अर्जुन माली की वाटिका नजदीक है, अर्जुन माली के बाल बढ़ चुके हैं, दाढ़ी बढ़ चुकी है, धूलों से भरा हुआ है, कपड़े फट चुके हैं, पूरे तरीके से खूंखार डाकू जैसा लग रहा है, उसे टिल्ले पर बैठा हुआ नजर आता था और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे रूप में अगर उस राजगृह नगरी के लोग अर्जुन माली को देखते थे तो इस तरीके से लगता था कि जैसे कि खूंखार डाकू खड़ा है, उनके रोंगटे खड़े हो जाते थे। सोचने लगे क्या करें, कैसे जाएं हम भगवान महावीर स्वामी के दर्शन करने, दोनों के बीच में एक जना है तो वह कौन है, अर्जुन माली, नहीं पहुंचे तो बीच में हम मर जाएंगे। सुना हे भगवंत सर्वज्ञ ही है, हम यही से अगर वंदना कर लेंगे, उनसे कुछ छिपा नहीं है, वह तो हमारी वंदना यहाँ से क्या कर लेंगे, स्वीकार कर लेंगे। इनमें एक महावीर भी था शेठ सुदर्शन। कौन था? शेठ सुदर्शन, जो भगवान के आगमन की सूचना मिली वो माता पिता के पास अनुमति लेने गए। भगवान तो बाद में मिलेंगे, पहले शैतान मिलेगा। क्या सोच रहे है? भगवान तो बाद में मिलेगा पर पहले कौन मिलेगा? शैतान मिलेगा। उससे बचेगा तब जाएगा आगे। माँ बाप चाहेंगे नहीं ना बेटा। माँ बाप ने क्या कहा कि ना बेटा मत जा, माँ मरना होगा तो मैं यही मर जाऊँगा। भगवान के पास जाते हुए मरा तो अच्छी बात होगी ना माँ, होगी ना माँ। जैसे ही अर्जुन माली के पास जाने के लिए सुदर्शन सेठ क्या हो गए, पहले भगवान महावीर स्वामी के पास जाने, वंदन नमस्कार करने के लिए उनका मन क्या हो रहा है, आकुल व्याकुल हो रहा है, पर बीच में कौन है, अर्जुन माली, जो खूंखार डाकू बना हुआ है। भाग्यशाली जब वह पति के साथ खड़ी रहती है तब भाग्यशालिनी हिम्मत वाली होती है, वो जब वह मुसीबत में पति का साथ हाथ नहीं छोड़ती वह किस्मत वाले होते हैं। लोग जिनको मुसीबत में पत्नी की वफादारी मिला करती है, इन चारों को तुम्हारी वृद्धि है, ये शुभकामना। पिताजी घर में गंगा आए और घर में मैं बैठा हूँ ये मन नहीं मान रहा है, तुम्हारी इजाज़त के बिना मैं जा भी नहीं सकता हूँ, पर भगवान के यहाँ आने की खबर सुनकर यहाँ रह नहीं सकता हूँ, करूँ तो क्या करूँ पिताजी, उनको देखे बिना मैं रह नहीं सकता हूँ, आपकी आज्ञा के बिना जा नहीं सकता, आप मुझे समझो पिताजी, मैं भगवान के पास जाना चाहता हूँ, उन भगवान के पास जिन्होंने मुझे 12 व्रत दिए हैं, 12 व्रत अंगीकार किए हैं, उन भगवान के पास जिनकी देशना सुनी है मैंने, उन भगवान के पास जिनको देख के मेरा रोम रोम पुलकित हुआ है, माँ बाप चेहरा देखने लग गए। जैसे ही सुदर्शन सेठ ने कहा कि माँ जिस भगवान ने मुझे 12 व्रत अंगीकार किया है, जैन धर्म समझाया है, धर्म क्या होता है, मैंने उनकी देशना सुनी है,
और उनका दे उनका चेहरा देखकर मैंने रोम रोम अपने शरीर के अंदर पुलकित हुआ है। जैसे ये बात सुनी माँ बाप एक दूसरे का चेहरा देखने लग गए। बच्चे की भक्ति देखी, दोनों ने इशारा किया कि भक्ति में क्या नहीं करना चाहिए, अंतराय नहीं डालनी चाहिए, बाधा नहीं डालनी चाहिए, आड़ा नहीं आना चाहिए। ठीक है बेटा, भगवान तेरी रक्षा करेगा। इसमें लिखा स्नान किया, सुदर्शन सेठ ने क्या किया, स्नान किया, शुद्ध वस्त्र पहने, आसन लिया, थैला लिया, चंपा के द्वार पर आ गया। दरबार को कहा, अरे दरबार दरवाजा खोलो, दरवाजा नहीं, दरवाजा नहीं खुलेगा। बड़ा दरवाजा, दो दरवाजे होते हैं राजगृह नगरी के अंदर, एक बड़ा दरवाजा एक छोटा दरवाजा, छोटा दरवाजा खोलो दरबार जी। अर्जुन माली उसने कहा दरबार ने कि अर्जुन माली बैठा है आगे, खोलो, मान जाएगा नहीं मानता। दरबार जी खोलो, दरबार ने कहा वापस आएगा या नहीं, किसके लिए बोल रहे हैं, सुदर्शन। जैसे ही दरवाजे से बाहर निकला, क्या पता ये सुदर्शन सेठ वापस आएगा या नहीं। रहेंगे, सुदर्शन सेठ ने जवाब दिया, रहेंगे तो आएंगे, नहीं तो जाएंगे। चेहरे पर डर नहीं, भय नहीं, सच बताओ तुम होते तो क्या करते। चल दिया, टीले पर बैठा हुआ ही, लंबे बाल, लटके हुए होंठ, फटे वस्त्र, मतलब खूंखार की आवाज जोर जोर से आ रही है। राजगृह नगरी के छत पर खड़े होकर देखने लगे, ये तो गयो, क्या बोले, ये तो आप सब छत पर रह के लोग देख रहे हैं सुदर्शन सेठ को, और मन के अंदर सोच रहे हैं कि अभी यो तो क्या हो गया, ये मर जाएगा, यानी तो यो तो गयो, ठाकुर गयो। हाँ, आवाज लगाई सुदर्शन, उसने हाथ ऊपर कर दिया। जैसा आगे बढ़ा श्वास बढ़ने लगा, कौन आगे बढ़ने लग गया, जैसे ही वह अर्जुन माली, जैसे ही सुदर्शन सेठ को देखा और वो आगे बढ़ने लग गया, श्वास बढ़ने लग गया, श्वास फूलने लग गई, मुदगर हिलने लगा। लोग सोच रहे यो तो गयो, अब ये बचने वाला नहीं है। उठने लगा सुदर्शन ने, देख लिया वो मेरी तरफ आ रहा है, क्या कर रहा है वो अर्जुन माली, मेरी तरफ आ रहा है। ओहो, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं सूझा, पुंजनी अर्जुन माली आते हुए देखकर उनको कुछ नहीं सूझा, सिर्फ क्या बात सूझी होगी। अगर आप इस जगह पर रहते, अगर आपके पास चोर डाकू आते रहते, तो आप क्या करते, क्या करते, सच बताना, आप भगम भगा हो जाते। लेकिन उस समय सुदर्शन सेठ ने जो अपने साथ में बैठके की थैली ली थी, उसके अंदर पुंजनी मुपति थी, उस पुंजनी थैली में से पुंजनी निकाली और जमीन को पूजा, पूंजा, आसन बिछाया, भगवान को याद किया, जय हो, नौकार मंत्र गिना, नमोथुनम का पाठ पढ़ा और क्या करी, सामायिक ग्रहण कर ली। तो देखिए अब आपके सामने समय भी होने के लिए आया है। सुदर्शन सेठ अर्जुन माली को देखते हुए मन के अंदर सोच रहे कि कुछ नहीं होगा, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, कि नौकार मंत्र पर, जैन धर्म पर इतनी श्रद्धा है, उनको इतनी अटूट श्रद्धा है कि नौकार मंत्र मेरे पास है तो मेरा क्या नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। आगे जैसा भी वर्णन आएगा आपके सामने सुनाया जाएगा। सुदर्शन सेठ कहाँ बैठे हुए हैं, उस अर्जुन माली के सामने पुंजनी लेकर, उस भूमि को पुंज कर, मुपत्ति लगा कर, वहाँ पर क्या करे है, ध्यानस्थ बैठे हुए हैं। आगे जैसा भी वर्णन चलेगा आपके सामने सुनाया जाएगा। आग में तिवे पनते तन जा सत्तागम में अट्ठागम में तद्वयागम में, इस तरह तीन प्रकार आगम रूप ज्ञान के विषय में जो कहते चार लगौतालम जम वैद्यम वच्चा मेलम हिनक खरम अचक खरम पयहीनम विनयहीनम जोगहीनम घोषहीनम सुट्टुदेनम दुट्टु पड़छेनम अकाले कौ सज्जाओ काले न कौ सज्जाओ असज्जाय सज्जायम बनता गुनता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की अमीन आशना की हो तो समिच्छामि दुखनम। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। मैं सभी भाइयों से कहना चाहूँ, भाई बहनों से कहना चाहूँगी कि प्रवादी राज परिषद की बहुत ही सुंदर भाव से आप आराधना कर रहे हैं, प्रतिक्रमण तपस्या सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपके सामने वह दिन भी निकट आ रहा है जिसमें हमें अपना लेखा जोखा करना है। हम जीवन में इस प्रवादीराज पर्युषण में एक संकल्प करें कि चारों तीर्थ में से साधु साधी श्रावक और श्राविका की किसी की निंदा न करे, किसी की बुराई न करे, किसको ऊपर नीचे न बताए, किसका विरोध न करे। अगर समभाव से रहेंगे तो अवश्य ही कर्मों का क्या हो जाएगा, क्षय हो जाएगा। आपको विदित है
जैन स्थानक के अंदर 8 दिन का पंच तीर्थंकरों का जाप चल रहा है और उसके पश्चात एक एक परिवार में जाप प्रारंभ होगा और उस जाप के अंदर 25-30 नाम मेरे पास रजिस्ट्रेशन हो गए हैं। तो सभी भाई बहनों से, जामनेर एक धर्म नगरी है, महान नगरी है, मैं इस महान नगरी से एक अपेक्षा रखती हूँ कि आप अपना नाम तुरंत ही माँ सती जी के पास रजिस्ट्रेशन कराएं ताकि आप अपने घर के अंदर एक धर्म की ऊर्जा ला सकते हैं और कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। अब हम अंत में भगवान की स्तुति कर लेते हैं। आप सभी एक आसन से बैठेंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी करेंगे, आंखें बंद करेंगे और एक लंबी सांस ले, जितनी लंबी सांस ले सकते हैं उतनी लंबी सांस ले और उस सांस को धीरे से छोड़ें और धीरे और धीरे। श्रेयादिने मे पारस महावीर शांति जिने चर हरियो पीर। श्रेयादिने मे पारस महावीर शांति जिने चर हरियो पीर। श्रेयादिने मे पारस महावीर शांति जिने चर हरियो पे। श्रेयादिने मे पारस महावीर शांति जिने चर हरियो पे। श्रेयादिने मे पारस महावीर शांति जिने चर हरियो पे। महावीर शांति जिने चर हरियो पे। श्रेयादिने मे पारस महावीर शांति जिने चर हरियो पे। श्रेयादिने मे पारस महावीर हरियो पे। श्रेयादिने मे पारस महावीर शांति जिने चर हरियो पे। बोलिए पंच तीर्थंकर भगवान की जय। सभी भाई बहनों को बहुत बहुत आशीर्वाद के साथ पर्वादिराज पर्युषण के लिए मेरी तरफ से एवं साध्वी मंडल की तरफ से आपको ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं। आपकी भावना उच्चतम उच्च बने इसी मंगल में कामना के साथ ओम शांति मंगल पाठ। ओम रीम सिम चिंतामणि पार्श्वनाथाय मम मनोरथ पुरी पुरी स्वा। ओम रीम सिम चिंतामणि पार्श्वनाथाय मम मनोरथ पुरी पुरी स्वा। ओम रीम सिम चिंतामणि पार्श्वनाथाय मम मनोरथ पुरी पुरी स्वा। ओम रीम सिम मरम सिम जय सिद्धा विजय सिद्धा फतेह सिद्धा सिद्धि सिद्धा। ओम रीम सिद्धाय मम मनोरथ पुरी पुरी स्वा। ओम ह्रीं सिं अरं सिं जय सिद्धा विजय सिद्धा फतेह सिद्धा सिद्धि सिद्धा। ओं ह्रीं सिद्धाय मम पुरपुरी स्वा। ओं ह्रीं सिं अरं सिं जय सिद्धा विजय सिद्धा फतेह सिद्धा सिद्धि सिद्धा। ओं ह्रीं सिद्धाय मम पुरपुरी स्वा। गुरुदेव की आज्ञा से श्री श्री चत्तारी मंगलम नरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केली मंगलम चतारी लघुत्तमा अरियंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केली पनतोमो लघुत्तमो। चतारी शरण पोजामि अरियंता शरण पोजामि सिद्धा शरण पोजामि साहु शरण पोजामि केली पनतोमो शरण पोजामि। अरिहंत का शरणा सिद्ध का शरणा साधु जी महाराज का शरणा केवली परुपी दया धर्म का शरणा चार सरना मंगल करना और सरना निको जय भवि प्राणी आदरी तो अक्षय। बोलिए गसुकुहाल मुनि की जय। या कार्यक्रमाचे प्रायोजक आहे गेंदाबाई मोहनलाल लोढा मोहन भवन प्रतिष्ठान जामनेर जिल्हा जळगाव। अध्यक्ष श्री विनोद कुमार जी जवाहरलाल लोढा। धनपुष्प लघु उद्योग पापड निर्माता बड़ा कोठा जामनेर जिल्हा जळगाव। प्रकाशचंद जैन मल्टी स्टेट को ऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी जामनेर जिल्हा जळगाव।